नीमका थाना से हमारा राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। मेरे तो इंजीनियर से नेता बन बाकी के कारण रिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बनेगी। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा अगर जहाँ पे नेटवर्क की समस्या होगी। ये मेरी बात देर से समझ में आती है जनता को। कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप एक आम जनता के दिल में कोई चीज जबरदस्ती घोष दो। उसके लिए खेतड़ी की जीत एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है। इस बार की जीत कोई मेरा तुक्का नहीं लगेगा, ये मान लो आप। वोटों के चक्कर में अपने स्वयं के संपर्क कभी खराब मत कर लेना, क्योंकि वोट 5 साल में आता है। कम से कम मेरे लिए तो किसी से झगड़ा मत करना, किसी से लड़ाई मत करना। राम राम साहब, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलकोट झुंझुनू। आज मैं पहुंच गया खेतरी विधानसभा क्षेत्र में, भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल जी गुज्जर के पास में, जहाँ पर भाजपा द्वारा टिकट देख पर विश्वास जताए गए। तो आओ का अब की बार कौन सा विशेष मुद्दा रहेगा, सारी बातचीत करेंगा, वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना है। राम राम। राम राम साहब, राम राम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल जी, मेरा पहला क्वेश्चन यही है, मैं आज चीज़ जानना चाहूँगा कि भाई थे एक ही परिवार का 2 सदस्य पार्टी से टिकट मांगी, लेकिन पार्टी थार पर विश्वास क्यों करो, थाने टिकट दी के कुछ कारण दिया। देखिए, आजकल पार्टी के टिकट के मापदंड और सारे कैलकुलेशन बदल चुके हैं। वो टाइम अलग था जब लोग 5 बड़े नेता कहते थे और टिकट मिल जाता था। आजकल प्रमुख रूप से ग्राउंड सर्वे ही मायने रखता है। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम मैं बीजेपी के लिए बोल सकता हूँ कि उनका सिर्फ और सिर्फ जो मापदंड है वो सर्वे ही है। सर्वे में कहीं ना कहीं पार्टी को मैं अच्छी मजबूत स्थिति में लगा और पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया। सर, थारो पहलो चुनाव नीम के थाना सुथे लड़ो और बड़े तनार को सामना करना पड़ो, बेका बाद कमाते खेतरी कमा के चुनावी तैयारी करी, खेतरी से चुनाव लड़ा, तो के कुछ कारण या था खेतरी आना पड़ो? नहीं, तैयारी जैसा कुछ नहीं था। मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड इस शेखावाटी में बताएं, प्रमुख रूप से 2 तहसील तो हमारी परिवार की सीट हैं। नीमका थाना से हमारा राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा, उसके बाद में स्वर्गीय मालाराम जी, उनकी सहानुभूति से 1972 में जो चुनाव हुआ, 1972 में उसमें उनको टिकट मिला और वो जीते थे। वहाँ भी पृष्ठभूमि थी, मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा। उसके बाद में पार्टी ने आदेश किया कि खेतड़ी से चुनाव लड़ो, तो 2008 में मुझे वहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा खेतड़ी और मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा। असर, अब की बार कौन सा अहम मुद्दा रहेगा खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए, वहाँ पर थारो जो बिल्कुल ध्यान रहेगा? देखो, मुद्दों की बात करें तो यहाँ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। विशेष रूप से यहाँ की जो भी स्थितियाँ हैं, जो सरकारी लाभ मिलने चाहिए, मैं समझता हूँ आज़ादी के इतने वर्ष बाद में ये क्षेत्र वंचित रहा है। कहीं ना कहीं जो स्थापित नेता है उनके झूठ के सारे और जातिवाद के सारे और इधर उधर की बातों से यहाँ मेरे हिसाब से राज किया गया है। विकास के नाम पे चाहे रोडों की हालत देख लो, यहाँ पे अजीत हॉस्पिटल है, इतना पुराना हॉस्पिटल है, उसमें जुकाम बुखार के सिवाय कोई दवाई नहीं मिलती है, रेफर किया जाता है, वहाँ भी काम करने की आवश्यकता है। पानी में भी यहाँ बहुत ज़्यादा एरिया है जो पानी से भी वंचित है, वहाँ भी काम करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से बनेगी, एक अच्छे मेजोरिटी के साथ बनेगी। उसके बाद हमारी सेंटर में सरकार है और पुनः 2024 में रिपीट होगी, नो डाउट। उसके बाद कोपर प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है, जिसको शेखावाटी की लाइफ लाइन किया जाता है, और विशेष रूप से इस क्षेत्र की तो वो आजीविका का साधन है ही। कभी वहाँ पे कई हज़ारों में वो काम करते थे कर्मचारी, आज वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ कुछ सैकड़ों में रह गए हैं कर्मचारी। उसको भी अगर ज़रूरत पड़ी और ज़रूरत है, उसको उचित प्लेटफार्म पे उठा के हम सेंटर तक उस बात की ले जाएंगे। ये भविष्य के गर्भ में है कि हम कितना कामयाब होंगे और कितना कुछ कर पाएंगे। मेरा प्रमुख रूप से जो टारगेट और फोकस रहेगा HCL प्रोजेक्ट पे रहेगा, और अन्य मुद्दे हैं उन पर भी हम साथ साथ काम करें। कुछ गाँव के मायने एक नेटवर्क को इश्यू हो तो विश्व के गाँव पिछड़ापन की अवस्था कमाई तो बिक ऊपर था रखिए कदम रहेगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, उसमें एग्जैक्ट मैं आपको एक कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। हमने हमारे माननीय सांसद महोदय की तरफ से यहाँ पर 24 जगह ऐसी हैं चिन्हित की थी जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जिसमें उदाहरण के रूप पे उसनेई डाणी है, बाडलवास है, बागोर है, वहाँ पर हमने टावर स्वीकृत करवाए हैं। और एक उदाहरण एक ही दूंगा, लंबा हो जाएगा थोड़ा। बागोर में हमने टावर
मतलब पूरा कंप्लीट करके उसकी सर्विस चालू होने वाली है एक दो दिन में। उसमें माननीय सांसद जी ने हमारी मदद की है। और नेटवर्क की प्रॉब्लम तो सेंटर में हमारी सरकार है, क्योंकि ये सेंटर का डिपार्टमेंट है, इसलिए हम निश्चित रूप से खेतड़ी का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ेंगे। यह आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वसाधारण को बताना चाहता हूँ, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा अगर जहाँ पे नेटवर्क की समस्या होगी। ये हम निश्चित रूप से, और कोई बड़ा काम नहीं है ये, हम पब्लिक पे कोई एहसान भी नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटर में हमारी गवर्नमेंट है, सेंटर का उपक्रम है। हम निश्चित रूप से वो समस्या तो नो डाउट हम सोल्व कर देंगे। और पानी की बात रही, इसमें सिर्फ जुमलेबाजी और भाषणबाजी हुई है। पानी आया है यहाँ पर, लेकिन उसका मतलब एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। कहीं तो आदमी उससे खेती करते नज़र आ रहे हैं, और कहीं बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पीएसपी पॉइंट बनाए गए, वो डैमेज हो चुके, वहाँ पे कभी एक बूंद भी टपकी नहीं नल से। पीएसपी पॉइंट जो हज़ारों की संख्या में यहाँ पे बनाए गए, अभी जो पाइपलाइन डल रही है, जो हमारी सेंटर की स्कीम है, उसमें पानी की उपलब्धता और ज़्यादा करवानी पड़ेगी। जो हमें जितना पानी मिल रहा है, उससे मैं समझता हूँ खेतड़ी की जो पानी की आवश्यकता है वो पूर्ति नहीं होने वाली है। हमारे हिस्से का पानी और चाहिए हमें, और जो भी इसमें मिसमैनेजमेंट चल रहा है, उस मिसमैनेजमेंट को दुरुस्त करना ही मैं समझता हूँ इस काम में ज़्यादा बड़ी उपलब्धि होगी। उससे सब लोग मतलब उसको पानी को मतलब उपलब्धता सब जगह हो जाएगी। सर एक चीज़ यहाँ थारो नाम है इंजीनियर धर्मपाल, तो इंजीनियर से नेता बन बाकी के कारण रिया था? वो तो मेरी स्वयं की मेहनत से अर्जित की हुई डिग्री है। मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ, आदमी इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कलेक्टर थानेदार बन सकता है, लेकिन वो अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है। उसके बाद में अगर आपको नेता बन रहा है, विधानसभा में जाना है, लोकसभा में जाना है, उसका निर्धारण करते हैं यहाँ के वोटर और आम जनता। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो राजनीति से जुड़ी हुई है। जब मैंने आँख खोली उस टाइम हमारे परिवार में राजनीति शुरू हो गई थी, जब हमारे समाज गुजर समाज में राजनीतिक जागरूकता शून्य थी। उस वक्त स्टेटों में जैसे राजस्थान में राम कुमार जी गुजर, जो मेरे पिताजी हैं स्वर्गीय, वो हुआ करते थे। आपके यूपी में रामचंद्र विकल हमारे समाज से बड़े नेता होते थे। हरियाणा में हमारे केएल पोसवाल जी हुआ करते थे। ऐसे हमारे समाज राजनीति में पूरे पूरे स्टेट में एक एक नेता ऐसे होते थे जिनको स्टेट वाइज कोई जानता था। उस वक्त मेरे पिताजी राजस्थान में गुजर नेताओं की गिनती में आते थे। दुर्भाग्यवश दुर्घटना में उनका मर्डर हुआ, हत्या हुई। उसके बाद में उनकी सहानुभूति से हमारे चाचा जी स्वर्गीय मालाराम जी को नीमका थाना से घर से ले जाके विधायक बनाया। तो हम उस वक्त समझते भी नहीं थे और हमें समझ भी नहीं थी, वो दृष्टांत भी हमें याद नहीं है। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक थी, इसके अलावा कोई वजह नहीं है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। उस पारिवारिक पृष्ठभूमि को आगे चलाने के लिए हम राजनीति में आए हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने जिस क्षेत्र के लिए चोरी डकैती अन्याय और अत्याचार खत्म करने के लिए जो प्राणों की आहुति दी है, उस प्राणों की आहुति को जो एक संदेश उन्होंने दिया था, उस संदेश को आगे बढ़ाना हमारे जीवन का मकसद है। इसके अलावा हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। सर जहाँ देखी गई कि युवाओं की पहली पसंद धर्मपाल गुजर है, तो इसका क्या कुछ कारण कि युवा इतना ज़्यादा पसंद कर रही था? देखो, यूथ का अपना एक खुद का कैलकुलेशन होता है। यूथ आज वो यूथ नहीं बचा जिसको आपके बुजुर्ग कहते थे और वो वोट डाल देता था। आज वो अपना खुद का कैलकुलेशन करता है कि हमारी आवाज़ को उचित प्लेटफार्म पे उचित समय पे कौन उठा सकता है और कौन मजबूती से उठा सकता है, कौन बंदा झूठ का सहारा ले रहा है और कौन बंदा सच्चाई से आपके हक की लड़ाई लड़ता है। हमने जब जब मौका मिला युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हुए, और जिस भी प्लेटफार्म पर उनकी मांग या जितना हम कर सकते थे वो हमने युवाओं के लिए किया है। और वैसे कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि आप एक आम जनता के दिल में कोई चीज़ ज़बरदस्ती घोष दो, उसके लिए आपको होम करना पड़ता है अपने शरीर को और दिखाना पड़ता है कि हम आपके लिए इतने जागरूक हैं और आपके लिए इतना कुछ करना चाहते हैं। युवाओं के रोज़गार की एस का मुद्दा है, मैंने एवरी प्लेटफार्म और एवरी टाइम में मैंने एस का मुद्दा उठाया है कि आप खेतड़ी के युवा को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको प्रॉपर चालू कर दिया जाए
इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर रूप से चालू कर दिया जाए तो यहाँ पर ही युवाओं को रोज़गार उपलब्ध हो सकता है। और एक तो HCL में एम्प्लॉय के रूप में होना, उसके बाद में उसमें जो साइड में जो बिजनेस मिलेगा लोगों को, चाहे वो दूध का हो, सब्जी का हो, अन्य कोई बिजनेस हो, उससे यहाँ पर कम से कम 20,000 लोगों की, 20,000 परिवारों की रोजी रोटी चल सकती है। ऐसे मुद्दे हमने हर जगह उठाए हैं और जनता की जो भी समस्या हुई है उनको वक्त पे हमने पूरी पुरजोर तरीके से उठाया। सर, अब की बार जाए देखिए कि राजस्थान सरकार के मायने बहुत सारा पेपर लीक हुआ, युवा बहुत प्रभावित हुआ, तो इकले थारो के कुछ कदम रहेगा युवाओं के प्रति? देखिए, ये जो एक किसान का बेटा, जो किसान जमीन का सीना चीर के अपने हिस्से की रोटी निकालता है, अपने पसीने से निकालता है, अगर उसका बेटा कहीं बाहर जाके साल दो साल जाके कोचिंग करता है, तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, मैं समझता हूँ उसको कितना खर्चा आता है और एक किसान परिवार उसको कैसे जयपुर कोटा सीकर यहाँ पे कोचिंग में डालने के लिए आपको पर मंथ और पर ईयर कितना खर्च करना पड़ता है, मैं समझता हूँ। जो धन्ना सेठ हैं उनको असर नहीं पड़ता, जो किसान वर्ग से आता है वो कैसे अपना पेट काट के उस बच्चे को पढ़ाता है, और उसके बाद में आप परीक्षा देने जाओ तो पता लगता है कि कल पेपर तो कल ही लीक हो गया था। उस गरीब का बेटा जब रोता हुआ आता है ना, तो एक किसान के बेटे को तकलीफ़ होती है, धन्ना सेठों को तकलीफ़ नहीं होती, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उसका बेटा अच्छा पेपर करके और घर आता है और ये कहता है कि आज अपने मम्मी पापा से कहता है कि मेरा बढ़िया पेपर हुआ है, भगवान इस बार मेरी सुन लेगा, और जब उसको पता लगता है कि एक कोई गिरोह ने पेपर लीक कर लिया है और एक एक संस्था के एक एक जगह के ही 200-200 लोग वहाँ पर सेलेक्ट हो गए, उस गरीब की पीड़ा अगर इस क्षेत्र में कोई समझ सकता है, तो मैं मेरे हिसाब से अपने आप को उसके लिए उपयुक्त समझता हूँ। सर, अब की बार BJP की क्या स्थिति रही इसके खेतड़ी के में, थोड़ा सा आंकड़ा बताओ। देखिए, मैं ये बात कॉन्फिडेंस आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, इस बार की जीत कोई मेरा तुक्का नहीं लगेगा, ये मान लो आप, ये जीत मार्जिन की होगी, बड़े गैप के साथ होगी, और ये पार्टी भी समझती है। खेतड़ी की जीत एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है, और ये कहना थोड़ी जल्दबाजी भी मान लेना, लेकिन आप अपने चैनल पे बता देना सबको, राजस्थान की टॉप 10 जो जीत होंगी, 10 बड़ी जीत होंगी, उसमें मेरा मानना है, जनता के आशीर्वाद के हिसाब से, नौजवानों के संघर्ष के हिसाब से, मेरा मानना है कि 10 बड़ी जीत में खेतड़ी की भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और आपके बिना सवाल के बता दूं, इस बार राजस्थान में BJP की 150+ सीटें आएंगी, इसको भी चाहे मेरा और कॉन्फिडेंस मान लेना, लेकिन मैं ये बात आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, और वक्त पे इस बात का सत्यापन आप स्वयं करेंगे, आपका चैनल करेगा कि मैंने कहा था 150+ सीट BJP की आएंगी, और खेतड़ी की जीत राजस्थान की टॉप 10 जीतों में होगी, ये मैं जनता के विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बुजुर्ग के आशीर्वाद, उस माँ की आंखों में जो एक ललक है, अगर इंजीनियर धर्मपाल को इस बार विधानसभा में भेजना है, उसके दम पे कह रहा हूँ, और नौजवानों में जो उत्साह और जोश है, उसके दम पे मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल ये शब्द नहीं कह रहा है, क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र में 5 साल घूमा हूँ। इस बार नतीजे आश्चर्यजनक होने वाले हैं, ये आप चुनाव के रिजल्ट के बाद आप मुझे झुंझुनू में मिल जाना, आपको उस बात का सवाल का जवाब मिल जाएगा। सर, खेतड़ी की जनता हूँ, क्या अपील करना चाहूँगा? मेरी अपील है, जो मैं मेरी बात देर से समझ में आती है जनता को, लेकिन दुरुस्त समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा। वोटों के लिए किसी नेता से लड़ाई मत कर लेना, आप नेताओं के बारे में जानते नहीं हो, खेतड़ी की जनता से अपील करता हूँ, वोटों के चक्कर में अपने स्वयं के संपर्क कभी ख़राब मत कर लेना, क्योंकि वोट 5 साल में आता है, आपको अपने पड़ोसी के साथ, अपने गाँव वालों के साथ पूरे जीवन भर रहना है। अगर वोट के चक्कर में अपने संबंध खराब कर लोगे, तो मैं समझता हूँ वो नेता आपके कोई काम नहीं होने वाले हैं। प्रेम से वोट डालिए, उत्साह से वोट डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती और मजबूती मतदान से आती है, और सही प्रत्याशी का चुनाव कीजिए, आपसी संबंध और भाईचारा बनाए रखें। कम से कम मेरे लिए तो किसी से झगड़ा मत करना, किसी से लड़ाई मत करना, अगर कोई व्यक्ति आप पे कुछ आए भी तो उसे हाथ जोड़ के राम राम कर लेना। और मैं तो अभी नहीं, चुनाव के नतीजे के बाद भी कहता हूँ, अगर इंसान को इंसानियत के रूप में रहना चाहिए, सब कुछ राजनीति नहीं है, कोई काम नहीं आता ये नेता, जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको लड़ा के और राज करते रहते हैं, आपके खुद के स्वार्थ की ज़रूरत पड़ती है तो रात रात में एक हो जाते हैं। ये संदेश विशेष रूप से मैं
खेतड़ी की जनता को देना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो कम से कम किसी से अपना मन मुटाव मत करना, किसी से संबंध खराब मत करना, प्रेम से वोट डालो और जो भी आपका आदेश होगा शर्माते होगा। पुनः मैं एक बार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने की अपील खेतड़ी की जनता से करना चाहूँगा। धन्यवाद। एक बात थाने के लाग रही है थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा और खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में आपकी बार कौन बाजी मार्च के बाबी थे मन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। खबरों अपडेट रहने के लिए झलको झुंझुनू पर यू बनारो। राम राम।